राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है, जिसका जीता जागता नमूना आपको नवीन पुलिस केंद्र में देखने को मिलेगा। जी हाँ, सिटी एसपी राजकुमार मेहता के द्वारा जवानों को राजधानी रांची में हो रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग दी जा रही है। आइए सिटी एसपी से ही जानते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी जो है जोरों शोरों पे कर रहे हैं। आज पुलिस लाइन में हम लोग ने सभी जवानों को ब्रीफ किया है, साथ साथ में सभी एंटी गियर्स जो हमारे ऑपरेट करने की जो है हमारे पास मशीन है, सभी को हम लोग ने आज टेस्ट करके देखा भी है और उसको चला के भी हम लोग ने प्रयोग किया भी है। अभी हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि इस दुर्गा पूजा में हमारे द्वारा जो है महिला बलों की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है, साथ ही साथ जवानों का भी प्रतिनियुक्ति सभी जगह समान रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा QRT बलों का भी प्रतिनियुक्ति सभी संवेदनशील जगहों पर हम लोग कर रहे हैं, सभी जगहों का हम लोग असेसमेंट भी कर लिए हैं। आज से हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, सभी जगह फोर्स को भेजा जा रहा है, इनको पर्याप्त रूप से सभी चीज़ें हेलमेट लाठी और हमारा जो अन्य जो हमारा पुलिस की कैंसिल बेल्ट जितना है हम लोग लेकर के इसको जाने का निर्देश दिया है और सभी लेकर जा भी रहे हैं। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि रांची ज़िला में जो दुर्गा पूजा बृहद पैमाने पर मनाया जा रहा है, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और तैयार भी हैं सभी कुछ है। अभी हम लोग कुल मिलाकर के 2500 जवानों की प्रतिनियुक्ति जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने किया है, और जिन जगहों पे ज़्यादा भीड़ की संभावना है उन जगहों पे ट्रैफिक की व्यवस्था हम लोग के द्वारा ठीक से की गई है, और जवानों को भी हम लोग QRT के रूप में उन जगहों पे प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, ये हम लोग का फोकस बेसिकली है कि महिलाएं और बच्चों पर हम लोग ने फोकस रखा है। सभी को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर महिलाओं की अत्यधिक भीड़ रहेगा उन जगहों पर जो है बलों को हम लोग एकत्र रखेंगे, और ख़ास करके उन पर विशेष निगाह रहेगी। यदि कोई असामाजिक तत्व या कोई गड़बड़ करने का संदेही व्यक्ति यदि हमें प्राप्त होता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी हम लोग ने दिया है। नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि ताकि भीड़ में एक अलग रूप से फोर्स खो ना जाए, उनकी एक पहचान जो है वो दिखे और पब्लिक को ये समझ में भी आ जाए कि ये फोर्स जो है डिप्लॉयड यहाँ पे हैं, क्योंकि भीड़ में भीड़ काफ़ी होने की वजह से वर्दी जो है वो भीड़ में दिखता नहीं है, तो ब्लैक पट्टी जो है सर पर रहने पर हम लोग का जो है वो अपना इनका गर्मी का और भीड़ को संभालने के समय भी इनको भी थोड़ा राहत देगा, और बिल्कुल इस तरह के कमांडो का एक इनका अपना जो है पहले से भी रहा है, क्योंकि इनका जो फोर्स जैप के हैं वो सभी इस तरह का ड्रेस टेकिंग हम ऐसा करते रहें, तो हमको यूज हम लोग इस बार कर रहे हैं ताकि पब्लिक को ये दिखें और उस पर त्वरित गति से कोई कार्रवाई कर सकें हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा, सिटी SP ने बताया कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के राजधानी रांची में जो है जवान पूरी तरह से तैयार हैं, जवानों को पूरे तरीके से सुरक्षा को लेकर के ब्रीफिंग दी जा चुकी है। साथ ही सिटी SP ने एक एक चीज़ों को दिखाया कि किस तरीके से जब हालात बिगड़ने लगेंगे तो उन हालातों को कैसे काबू किया जाएगा, उसे लेकर के भी सिटी SP ने एक एक चीज़ों को हमें दिखाया है। साथ ही जवानों को पूरी तरीके से ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है, और कल तक जो है सभी जवानों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा और उन्हें वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। साथ ही इस बार आपको बता दें कि एक चीज़ जो है वो बहुत ही खास होने वाली है जवानों में, जहां भीड़ में जवानों को पहचानने के लिए जवानों को सिर पे काले रंग की पट्टी बांधनी है, जिससे कि वो भीड़ में भी सबसे अलग लगे और उनकी पहचान जो है आसानी से हो सके। उनको पूरे तरीके से कमांडो का लुक दिया जा रहा है इस बार। इससे ये पता चल रहा है कि पुलिस जो है इस बार नवरात्रि महोत्सव में सुरक्षा को लेकर के कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। बने रहिएगा जोहार लाइव के साथ। मैं आरुषि राय, कैमरामैन अक्षय के साथ, नमस्कार।